अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब भाई? तो कल बिग बॉस में हुआ नॉमिनेशन टास्क भाई, मना रहा कि क्यों इतनी हटती है भाई, इतनी हटती है उसकी नॉमिनेशन से कि जो उसको कर देगा ना तो बस वो बुखला जाएगी कि भाई नॉमिनेशन में नहीं जाना। कि अपने रिश्तों में जो भी बनाती है कहती में क्लैरिटी है, क्लैरिटी है, मनोवर को वो हिपोक्रेट कहना शुरू हो जाती है कि मैं कॉल आउट करूंगी आपकी हिपोक्रेसी, आप डिप्लोमेटिक हो, फलाना हो, ढिमकाना। तो जब नॉमिनेशन आते हैं और ये होती है तो तब क्या होता है? जो कल एक जगह पे ईशा ने उसको सही कॉल आउट किया इस बात पे ना कि आप अगर आप हिपोक्रेट कहते हो तो आप भी हिपोक्रेट हो, अगर आप मनोवर को कहते हो, अगर मनोवर बहुत ज्यादा तो आप भी हो, आप इसी जगह पे फॉल करते हो। कल हुआ नॉमिनेशन, आज उसमें ब्लैक एंड व्हाइट था थीम उसका कि सब लोगों ने खड़ा होना था, एक बंदा सामने आना था और उसको जो 3 बंदे या 3 बंदे से ज्यादा बजर दबाएंगे, लाइट ऑन होगी तो वो नॉमिनेशन में चला जाएगा। जिसमें मुनव्वर ने एक बड़ी अच्छी चीज की थी, अब वो उसकी कैलकुलेशन कहते हैं, कैलकुलेशन कहते हैं। तो कैलकुलेशन मतलब भी जो भी मर्जी कह लो उसने, ना अभिषेक को किया ना उसने क्या नाम है मना रहा हो गया कि कभी मेरे दोस्त आए तो मैंने उससे नहीं किया, जिसपे पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया। इवन अंकिता ने उसको कहना शुरू कर दिया कि यार मनावर अब तो गेम खेले, गेम तूने सेफ प्ले किया है फलाना है, लेकिन उसकी अपनी एक कॉल है ना, वो ना करे मर्जी है ना, फिर कोई किसी से करवा थोड़ी ना सकता नॉमिनेट की तुमने करना ही करना है। तो उसने नहीं किया, लेकिन मनारा ने जबकि मुनव्वर को भी किया, उसने लास्ट में बोला था कि मैं करूंगी तो उसने कर दिया मुनव्वर को, लेकिन मुनव्वर ने नहीं किया। तो आगे से कहती है आपने सेफ लेके गया ताकि एक दरवाजा खुला रहे कि हाँ कभी ना कभी मेरी बात होने के लिए यहाँ से, चलो इसी सेंस में कह दो, लेकिन उसने नहीं किया ना। और जिन पे साथ में बैठ गई थी कि दूसरी जगह पे जाके वो खेलना चाह रही थी, उन उधर से 2 बंदों ने कर दिया, क्योंकि उसने अभिषेक को नहीं किया मनारा ने कि आप हिपोक्रेट हो, क्या एक जगह आप उसकी बुराई कर रहे हो और दूसरी जगह आपने उसको नॉमिनेट भी नहीं किया अभिषेक को। तो ईशा ने भी यही रीज़न दिया और ऑलमोस्ट विकी जैन ने भी, क्योंकि उसने ये बोला कि आप एक जगह पे समर्थ के साथ खड़े हो, लेकिन आप समर्थ के साथ खड़े होने के आपने पॉइंट ही नहीं रेस किया क्योंकि अभिषेक ने उसको थप्पड़ मारा था समर्थ को। तो कहती कि अगर ये बात थी और आप बार बार उसको बुरा कह रहे हो तो आपको नॉमिनेट करना चाहिए था अभिषेक को, आपने नहीं किया तो आप फिर क्रिएट हो। तो वो उसकी बात में जाके इस चीज़ पर बहस होगी बाहर, विकी जैन से बड़ी गंदी किस्म की लड़ाई हुई, ईशा ने भी उसको कॉल आउट किया कि आप इस तरीके से आपने गलत चीज़ की है, आपको अगर आपके दिल में इतना ही बुरा था वो ये उसका थप्पड़ मारना सारे मामला, और समर्थ के साथ इतने ही सिंसेयर थे तो आपको उसको नॉमिनेट करना चाहिए था। जिसके बाद बड़ी देर बहस होती रही, मुनव्वर को भी बुरा मतलब ले दे के घूम फिर के ना सारी बात मुनव्वर पे आने शुरू हो गई। ईशा भी कहती है कि भाई आप ही जो सारी गेम है ना मुनव्वर के गिर्द अराउंड करती है, आपकी और कोई गेम ही नहीं है। कहती अभी भी आपने अभिषेक को जो नहीं किया है ना उसके मेन करने का मकसद ये है कि वो कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो कहते कि उसकी मुनव्वर के साथ थोड़ी सी अभी खराब हुई है, अनबन हुई है, तो आपने साथ ही उसको नहीं किया कि चलो इसके साथ दोस्ती हो जाए, तो आगे से उसने एक्सेप्ट भी किया इस चीज़ को। तो भाई इन शॉर्ट मैं यही कहूंगा कि मनारे की कोई गेम नहीं है, वो सिर्फ चाहती है कि जिसके वोट ज्यादा हैं या क्या नाम है मुनाफा के जो अगेंस्ट है, बस ये गेम प्ले कि मुनाफा के जो अगेंस्ट है वो उसका दोस्त है, या सारे के सारे ना मतलब बस उसको ये है कि मैं सेफ रहूँ, कैप्टन भी बनाए लोग और क्या नाम है मुझे कोई नॉमिनेट ना करे बस किसी भी तरह से ना, बस मैं सेफ प्ले करती रहूँ, जिसके वोट है उसके वोट मुझे पड़ जाए, मैं दोस्ती तो जाहिर करा दूँ। तो आगे से आप दूसरों को कहने शुरू कर दो हिपोक्रेट, तो इस जगह पे ना आप हिपोक्रेट दिख रहे हो ना कि मुनव्वर या बकाया सारे लोग दिख रहे हैं। मुनव्वर पे तो बेचारे पे टैग लग गया ना कि वो क्लैरिटी नहीं देता है, फलाना नहीं करता। तो कहते हैं ना कि किसी को इतना बुरा कहो, इतना बुरा कहो कि जितना बाद में आप ले सको, क्योंकि वो चीज़ फिर अगर बंदा नहीं जाहिर करा रहा ना तो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली आप पे आती ही है वो चीज़, क्योंकि आप उस पर बार बार बोले जा रहे हो, वो आपसे कह रहा है गेट ओवर मी, गेट ओवर मी में जिसपे समर्थ ने बोल दिया था कि भाई गेट ओवर मी तुम एक लड़की को कह रहे हो, यूं है तुम्हारा तो अपना किरदार ही नहीं है फलाना है, तुम जगह जगह मुंह मारते हो, जबकि उसने गेट ओवर मी इस चीज में बोला था कि आप जो बार बार मुझ पे ही सिर्फ बातें किए जा रहे हो तो आप कुछ और बातें कर लो, गेम में और लोग भी हैं, हर तरीके के लोग आपसे मुझे ही बुरा बनाने के लिहाज से लगे हुए, उसने सिर्फ इस सेंस में बोला था कि गेट ओवर मी। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कल वाली एपिसोड से रिलेटेड जो नॉमिनेशन टास्क हुआ था। इवन एक जगह पे मनारा ये भी कहती हुई नजर आई थी नॉमिनेशन के टास्क में ही कि क्या नाम है मेरा एक चलो लिंकअप नजर आएगा, और मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरा इस तरह का लिंकअप नजर आए, मुनव्वर से रिलेटेड ही बात करी थी सारी की सारी यही, तो मतलब उसको बुरा बनाने के लिहाज से कि हैशटैग मेरे इस लिहाज से बनाया गया मुनारा के लिहाज से, तो वो सारी जिंदगी एक टैग सा रहेगा ही रहेगा, मतलब भाई एक आपको नेगेटिव अप्रोच के लिहाज से आपको कह दे रहे हो। और दूसरी जगह एक बड़ी गलत बात की मनारा ने आयशा खान से रिलेटेड कि मैं आपकी तरह नहीं हूँ, कि मैं एक जगह बुराई करती जाऊँ और पीछे जाके मैं इस तरह का मैं कैसे दिख रही हूँ फिलहाल, मतलब एक्शन बना बना के ना बड़े अजीबो गरीब से एक्शन बना बना के कि मैंने एक जगह उससे गलत सी बात कर दी कि मैं दिखाऊँ आप पीछे से दिखाऊँ आगे से दिखाऊँ कि मैं कैसे दिख रही हूँ, तो सब ने उस चीज़ पर एकदम से ना उसको रोका कि भैया आप क्या बोल रहे हो, आप नेशनल टीवी पे हो,
आप वो सब लोग देख रहे हैं और लाइव हो आप, तो आप ये क्या बात कर रहे हो, मतलब वो नॉमिनेशन इस हद तक डरती है, मतलब कि कोई अगर नॉमिनेट कर देगा, कोई अपना रीजन देगा ना, तो ऐसे गंदे पे उतर रहेगी एकदम से, उसका अपने अल्फाज याद नहीं रहते कि उसने क्या बोल दिया बाद में, आप सॉरी कहते हैं डजंट मैटर सॉरी, कि अगर आपकी ये अप्रोच है हमेशा से ही। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।